और मैं तो यहां तक निवेदन करना चाहूंगा कि तीर्थ में पति और पत्नी जाते हैं तो उनको यह भी ना लगे कि हमारा विवाह हो गया है, एक योगी की तरह बन के जाए, नहीं तो घर बैठिए मन जाइए तीर्थ। हम नहीं कहते आप एक महीने के लिए जाएं, आप एक घंटे के लिए जाएं, वो समय कोई सांसारिक पोजीशन सांसारिक स्थिति ना हो, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। भोगी बनकर तीर्थों में मत जाना। पति और पत्नी का बड़ा करीबी संबंध होता है लेकिन वो देहली के अंदर घर पर। तीर्थों की मान्यताएं मर्यादाएं वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को लायक। और तीर्थों में जब आप जाएं, मेरी बात आपको बुरा ना लगे, तो तीर्थों के लिए बच्चों के लिए थोड़े दूसरे तरह के कपड़े बनवाओ उन्हें। क्या जीन्स छोटे छोटे कपड़े क्या है ये है? और उन बच्चों को आप लेके, तुम्हें लाज नहीं लगती, तुम्हें शर्म नहीं लगती? बिल्कुल डेढ़ बिलंदा कपड़े बच्चे पहन करके जाते हैं, और तीर्थ जैसी पवित्र जगह पर। क्या तीर्थों में हरामी लोग नहीं रहते, डांकू लोग नहीं रहते, बिगड़े हुए लोग नहीं रहते, बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ से चल के आ जाते हैं, और ऐसी रोज घटनाएं घटती हैं। मंदिर में दर्शन कर रहे हैं आप, मंदिर में निगाह हैं और आपके बच्चों को कोई कुदृष्टि से देख रहा है। ये गलतियां पनपाने के लिए उसमें एक सहभागिता आप भी निभा रहे हैं। चलो आप शादी शुदियों में जा रहे हैं, लेकिन तीर्थों में इन सब चीजों की क्या जरूरत होती है? बेटियों के कंधे पर चुन्नी नहीं होती, लगता ही नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। आजकल तो ये बुढ़ापे में 60 और 65 साल की ये माताएं जींस पहनकर बिहारी जी का दर्शन करने को आती हैं, हैं? थूतरा लटक गया है, बिल्कुल आंखें गड़ गई हैं, लेकिन जींस पहन के। बहू से मैं कम थोड़ी हूं, बहू जींस पहनेगी तो हम जींसा पहनेंगे। फिर कहेंगे कि बिहारी जी हर महीना जाते हैं, लेकिन बिहारी जी कुछ करते नहीं, हमारे बाप के नौकर लगे हैं ना बिहारी जी। सो करेंगे बिहारी जी, गलतियां मत कीजिए। चाहे मैं हूं, आप हो, तीसरा हो, मैं अपने आप को भी बोलता हूं, महाराज जी यदि मैंने गलती करी तो मैं तो इसकी इतनी ठोकाई करूंगा कि हाथ पांव रहने नहीं दूंगा इसके ठीक से। हाँ, मार मार के पीटूंगा इसको, बहुत ठोकाई करूंगा। मैं अपने से प्रेम भी बहुत करता हूं, बहुत स्नेह करता हूं, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है, हमें बहुत काम करने हैं। यदि इसने गलती करी तो इसको कोई बचाने वाला नहीं होगा, इतना ठोकूंगा, इतना पीटूंगा। हाँ बिल्कुल पक्का। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम।